दोस्तों दुनिया भर में भालुओं की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सबसे खतरनाक पोलर बियर को माना जाता है। और ये वाकई में बहुत खतरनाक भालू है, जो कि अधिकतर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। वहीं टाइगर की बात करें तो टाइगर बेशक दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है, क्योंकि टाइगर से जीत पाना किसी भी जानवर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनकी ताकत का तो आपको भली भांति अंदाजा होगा ही। लेकिन अगर पोलर बियर और टाइगर की बात करें कि इन दोनों में से तगड़ा कौन है, और अगर इनकी फाइट होती है तो उसके अंदर किसकी जीत होगी, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि पोलर बियर और टाइगर दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक शिकारी माने जाते हैं, और ये अपने अपने इलाके के राजा होते हैं। अगर बात करें इनकी शारीरिक विशेषताओं की, तो एक टाइगर का वजन 300 किलोग्राम तक होता है, जो कि साइबेरियन टाइगर होते हैं, और इनकी लंबाई 3.5 मीटर से भी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही इनका बाइट फोर्स 1050 PSI और रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो ये तो थी टाइगर की शारीरिक विशेषताएं। अब हम बात करेंगे पोलर बियर की। अगर एक पोलर बियर के वजन की बात करें तो यह 600 से 700 किलोग्राम तक भारी होते हैं, और इनकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। दोस्तों इनका बाइट फोर्स 1200 PSI होता है, जो कि टाइगर से थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि टाइगर के मुकाबले काफ़ी कम है। तो यहाँ पर कुछ बातों में टाइगर आगे हैं, तो वहीं कुछ बातों में पोलर बियर आगे हैं। इसलिए इन दोनों की टक्कर बराबरी की होने वाली है। लेकिन यहाँ पर टाइगर को ज़्यादा खतरनाक माना जाना चाहिए, क्योंकि टाइगर अधिकतर बड़े शिकार किया करते हैं, जिसमें इंडियन गोर जैसा जानवर भी शामिल है। तो आपको टाइगर की ताकत का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। लेकिन वहीं पोलर बियर की बात करें तो यह अक्सर छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं, और कभी कभार सील मछली का भी शिकार करते हैं, क्योंकि पोलर बियर जिस इलाकों में रहते हैं वहाँ शिकार का मिलना बहुत रेयर होता है। लेकिन टाइगर तो अकेले ही बड़े बड़े जीवों का शिकार कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पोलर बियर के मुकाबले टाइगर ज़्यादा खतरनाक है। और अगर पोलर बियर और टाइगर के बीच लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का विनर भी टाइगर ही होने वाला है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि पोलर बियर और टाइगर की लड़ाई में किसकी जीत हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।